नमस्कार, आप देख रहे हैं ई पेपर इंडिया। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। पूर्वी सिंहभूम जिले की उपायुक्त विजया यादव अधिकारियों के साथ शुक्रवार की सुबह विष्णुपुर चूना बाबा शाह दरगाह के पास स्थित मार्केट की व्यवस्था का जायजा लेने पहुंची। इस दौरान उन्होंने साफ सफाई की व्यवस्था में कमी पाई, साथ ही बाजार की सरकारी गलियों के निरीक्षण में पाया गया कि आग लगने जैसी आपात स्थिति में वहां फायर ब्रिगेड वाहन का पहुंचना बहुत मुश्किल होगा। और यहां जैसे कि कुछ हमें रिक्वेस्ट किया गया था कि पीछे जो धुनी के लिए लकड़ी रखी जाती है उसको उसके ऊपर से यूरिनल का पानी जा रहा है, तो कल जब उसका निरीक्षण किया था तो पता चला कि काफ़ी सारे जगह पर अतिक्रमण किया है। बहुत सारे यहाँ पे जो दुकानें हैं वो कंपनी बिल्ट होने चाहिए, कंपनी बिल्ट से ज़्यादा अभी पार्टी बिल्ट ज़्यादा हो गए हैं। बहुत सारे दुकानों में डोमेस्टिक यूसेज का 14.200 वाला केजी का सिलेंडर रख के लोग उसमें डाई कास्टिंग या बाकी के जो अपने छोटे छोटे यूनिट्स चला रहे हैं, इवन दैट इज़ इलीगल। अगर आग लग ही जाती है तो यहाँ फायर ब्रिगेड की गाड़ी कैसे आएगी, सबसे बड़ा मुद्दा है। यहाँ पे कोई अप्रोच रोड है वो भी दोनों साइड से स्टेप बना के रखे हुए हैं और सारे जगह से इनक्लोज्ड एरिया है, मगर कोई भी क्लियर कट एक 12 फीट का ओपनिंग नहीं है। और छोटे छोटे मल्टीपल यूनिट्स बहुत है, कहीं गैरेज है, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स एंड अप्लायंसेस का रिपेयरिंग है, कहीं पे ऐसे छोटे छोटे कपड़े के दुकान है, तो ये सब बहुत ही डेंस्ड एरिया है मार्केट का। और जो मज़ार है, श्राइन है, उसका चारों तरफ से अतिक्रमण हो गया है। तो इन्हीं चीज़ों को देखने के लिए अभी यहाँ पे जुस्को के लोग भी थे, टाटा लैंड्स के भी लोग हैं और JNSC के भी पदाधिकारी मौजूद है। हमने इन लोगों को ये सब साफ़ सफाई करने का भी आदेश दिया है उर्स के बैकग्राउंड पे, शायद 18 तारीख को इनका उर्स है। और साथ ही साथ इसका मार्केट का पीछे का जो रीडेवलपमेंट प्लान पहले कभी जो जुस्को ने बनाया था उसको भी हम लेके नगर विकास विभाग के साथ फॉलोअप करेंगे ताकि पीछे अच्छे से दुकानें बन जाए एक यूनिफॉर्म डायमेंशन की, उसमें कुछ फैसिलिटी हो, क्योंकि लगभग कुछ कुछ लोगों के पास तो जुस्को का इलेक्ट्रिसिटी का बिल है। तो इसको देखते हुए मुझे लगता है कि दिस इज़ द बेस्ट प्लेस कि जहाँ से जमशेदपुर में मार्केट रीडेवलपमेंट के प्लान का इम्प्लीमेंटेशन हो जाना चाहिए। इसके साथ क्या बाकी मार्केट का भी ये होगा? बाकी तीन चार मार्केट का प्रपोजल है। ई पेपर इंडिया में आज के लिए बस इतना ही। कल हम फिर हाजिर होंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए ई पेपर इंडिया।